ये आप how are you getting younger by every year? What is the raz of that? Happiness. Arey, I thought you were asking me this question. She's looking more happy actually. आपको ऐसे लगता है कि यार I think हर इंसान कहीं ना कभी छलता भी है, कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है. कहीं ना कभी आपने किसी के साथ छल जरूर किया. और प्यार में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा छल होता है. कबीर की आंखें जो हैं मतलब बड़ी मासूम सी आंखें थी. माफ करना फरीदू, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है कि इनकी आंखें मासूम है, बल्कि हम जैसी लड़कियां बिगाड़ी हैं. और इनके चक्कर में अभी विकिपीडिया और ये गूगल ने मेरा एज 64 कर दिया. कहीं से मासूम नहीं लग रहे थे. वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, लाइक एन आइसक्रीम संडे. But which is bad for your health? Everyone knows. Five stories, tera chalawa, hangama play, and we have this the huge star cast with us, starring with Sandeep Adhar, Samiksha, Abhas, one and only one Kavita Kaushik. Abhas plays my counterpart, and he's a writer who's come back to his hometown, for some personal reasons, and he's suffering from a writer's block. And it's about how my character, who understands what he's going through, comes to know how, and she's in love with the boy, but he doesn't love her back. And then she realizes over a period of time, someone makes her realize that sometimes when things don't go, organically, then sometimes you just have to use your brain and, make things happen. By yourself, and how she uses his secrets in order to twist and turn and get what she wants. Okay, so does she succeed? That's what you have to find out. I'll tell you that right now. But the writer's block, what she says, is the whole crux of the story. Why he has the writer's block and what he's come to finish his story and he's not able to get rid of that writer's block. She helps or doesn't help is what you have to find out. आप कितने सालों से जानते हैं उनको? In life? Yeah. 6-7 महीने. 6-7 महीने. अच्छा, मैं इनको करीबन 6-7 साल से मैं जानता हूँ. ये आप हाउ यू गेटिंग यंगर बाय एवरी ईयर? व्हाट इज द राज ऑफ दैट? हैप्पीनेस. अरे, आई थॉट यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. शी इज लुकिंग मोर हैप्पी एक्चुअली. एंड द फैक्ट दैट वी आर मीटिंग यू, आई हैव टू लुक, नहीं, बट आई थिंक बिकॉज़ यू डोंट एज. I've seen you forever. It's not about me. He is Benjamin Button. Yeah, he goes reverse. All right. Okay, so Samiksha, tell us something about your story. So my story name is Kashmakash. And this story is about the renowned musician, how he wants to fulfill his desires and till what extent he can go. And my character is Zeenath, a Muslim girl. And She's very calm and composed, but at the same time, if somebody pushed her or if somebody, instigate, so she can go to any extent and she can cross the limits. So that's what it is. कहानी का जो इनकी कहानी का नाम कश्मकश है, क्योंकि हर कैरेक्टर इस कहानी में कश्मकश है. कश्मकश. एक इंसान जब कुछ चीज हासिल करना चाहता है तो या तो वो सही रास्ता अपनाता है या वो छल करता है. मगर जिससे आप प्यार करते हो, आप उससे छल कर सकते हो या नहीं, इस कहानी का आई थिंक कश्मकश यही है. क्योंकि हर किरदार इसमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से प्यार करता है. बट यू हैव टू आउटविट द अदर पर्सन इफ यू हैव टू सक्सीड. कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा. बट आपको ऐसे लगता है कि आई थिंक हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी छलता भी है, कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है. इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग. देखो, हम सब कोशिश तो यही करते हैं कि हम अपने अपनी तरह से ना ये पोर्ट्रे करें सबको, पूरी दुनिया को, कि हम बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं, और हमसे अच्छा कोई इंसान नहीं. बहुत कम लोग मिलेंगे लाइक माय फ्रेंड ऑफ हियर हु स्पीक्स हर माइंड एंड सेज इट आउट एज इट इज. हम सब में गेट्स लाइक ट्रोल्ड फॉर इट. पर हम सब में कहीं ना कहीं एक ग्रे साइड जरूर है. ये हम झूठ बोलते हैं जब हम कहते हैं ना कि हमने किसी और के ऊपर अपना पावर रख के हम आगे नहीं बढ़े. आप चाहे इन योर सेंसेस और आउट ऑफ योर सेंसेस, विलिंगली अनविलिंगली, कहीं ना कहीं कभी आपने किसी के साथ छल जरूर किया.
और प्यार में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा छल होता है, ये जो कहते हैं कि अनडाइंग लव, लव दैट विल रिमेन फॉरएवर, उस लव को मेंटेन करने के लिए, उसको साथ रखने के लिए ना छल चलता रहता है. एक पति पत्नी के बीच में चलता है, माँ बाप के बीच में चलता है, बच्चे के साथ, बच्चा से सबसे ज्यादा छल करता है. हाँ, इमोशनली ब्लैकमेलिंग बहुत करते हैं. अच्छा, आप जैसे डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो आप कभी अपने अंदर के डायरेक्टर से, आप अपने एक्टर से कहते हैं, या एक्टर आपके डायरेक्टर से कहता है, देखो मैंने छल किया? मैंने कई बार इनके साथ तो किया ही किया था. नहीं, आपके अंदर के जो डायरेक्टर जो है, वो आपके अंदर के जो एक्टर से कभी कहता है, आपके अंदर के एक्टर डायरेक्टर से मैंने तुम्हारे साथ छल किया है? बहुत बार, बहुत बार. कॉन्वर्सेशन क्या होता है वो? ये कॉन्वर्सेशन बड़ा स्ट्रेंज सा कॉन्वर्सेशन. आप जब कोई अच्छा कैरेक्टर लिखते हो या कुछ अच्छा. अच्छा, आई हैड स्टॉप्ड एक्टिंग, इट्स बिकॉज ऑफ दिस वुमन अगेन, आई एम बैक ऑन स्क्रीन. तो मैं डरने लगा था कि यार अब शायद नहीं है अंदर, अब नहीं करना. बिकॉज आई स्टॉप्ड एक्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड बिकॉज आई लव्ड एक्टिंग. और जब मुझे लगा कि यार मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा, मैंने उसी दिन लिख के बोल दिया मैं अब एक्टिंग नहीं करूँगा. एंड आई समवेयर मिस्ड इट. तो जब मैं कुछ अच्छा कैरेक्टर लेता है, मैं अपने आप अंदर सोचता यार ये अगर मेरे को मिलता था क्या कमाल करता, इट वुड बीन गुड फन. वो छल मैं अपने साथ करता हूँ कि हाउ वुड आई हैव ट्रिगर्ड इट फर्दर. And I try to trigger actors doing that. But after I performed again now in on camera, and now that I have started and doing other projects, so I realize how much I missed it. क्योंकि एक्टर से ज़्यादा छल करने वाला और कोई नहीं. Correct. और वो छल एक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर को हेल्प करता है, क्योंकि वो an actor has to cheat you for you to believe it. Okay, तो कविता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे कबीर की आंखें जो हैं, मतलब नहीं, मतलब बड़ी मासूम सी आंखें थी ये हमेशा से. जब ये एक्टिंग में, जब अपने मतलब आज से करीबन 10-15 साल पहले कभी जो इनका अवतार होता था, तो इनकी आंखें बड़े, ही वाज लाइक ही इज ऑलवेज बीन लाइक दिस इनोसेंट फेस, एंड यू नो आंखें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं उस इनोसेंस में. तो आपको लगता है कि जब मासूम आंखें होती हैं उसमें भी छलावा हो सकता है? माफ करना फरीदू, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है कि इनकी आंखें मासूम है. बल्कि ये वो क्या कहेंगे, टीवी पे एक वो ऐसे कलाकार हैं ये जिन्होंने हम जैसी लड़कियां बिगाड़ी हैं. क्योंकि जब मैंने इनको, आई वॉज इन स्कूल जब मैंने देखा था फैमिली नंबर वन, एंड ही वॉज लाइक कहीं से मासूम नहीं लग रहे थे, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, लाइक एन आइसक्रीम संडे, but which is bad for your health, everyone knows. Everyone knows this is trouble. But you know, I mean, as me and my friends, we used to be, are wo family number one mein hi hai, light eyed guy, boy kitna cute, kitna acha. But he still, I don't know, I mean, to us, to girls, how we perceived him was like this good looking but bad boy, you know. Okay, it's just now that I know him and he's my friend, I realize that he's such a child and he's, you know, he's just too cute and innocent like that. वैसे तो है इसमें भी बड़े सारे छलावे, क्योंकि obviously you know so many years and so many experiences, but inherently he's a very innocent heart and gets, मतलब वो मछली की तरह हर चीज पे react करता है ये, जिसमें नहीं भी react करना हो. तो imagine मेरी और इसकी दोस्ती कैसे चल रही है, दो एकदम volatile लोग, कभी भी मतलब गोवा में ऐसे आप साइरन बज सकते हैं कि कविता और कबीर इकट्ठे हुए हैं. और आप देखो, इन्होंने कहा क्या कहा कि जब हम स्कूल में थे, और इनके चक्कर में अभी विकिपीडिया और ये गूगल ने मेरा एज 64 कर दिया है. तुम्हारे ये तुम जो कहते रहते हो ना कि हम स्कूल में देखते थे ऐसे, तुम्हारी वजह से अब वो बदल भी नहीं रहे हमारा. अच्छा, तो आपको आके मेरे को पूछता, यू आर 65. ओल्डर वुमेन हुआ 60 प्लस, जो वाज थिंकिंग अब चांस है इसके साथ होने वाला है अभी तुम्हारी वजह से. But you can edit on Wikipedia, that's something. नहीं, हमने बहुत कोशिश की, नहीं वो पॉसिबल. हमने एक हैकर को भी डाला वहां पर, हमने कहा कि उम्र कम कर देंगे हम, 30 करा देंगे. 30 का वो तो 60 से और बढ़ गया, हर साल बढ़े जा रहे हैं. All right, let's move on. So, अन्वेषी, आपकी जो स्टोरी है उसमें बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वही कहीं ना कहीं वो जिस तरीके का छलावा आपसे करते हैं, उनको लगता है कि शायद यही आपके लिए बेहतरी होगा. सो दैट इज दैट्स एब्सोल्युटली आई थिंक वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ लव. या आई थिंक प्यार की पराकाष्ठा वाली बात है, जहाँ पे इतना ऑब्सेसिव लव है कि
गुलाबो जो कि हमारी स्टोरी का नाम, मेरा नाम रेहाना है, रेहाना को लगता है कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा उसको मिल ही नहीं सकता. और आयरनी ये है कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, तो ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ की नीड में होती है कि उसको कोई प्यार नहीं करता. और जब पहली बार कोई एक यंग लड़का उसके पास आता है, उसका ख्याल रखता है, तो कैसे वो इस बात में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती कि ये एक्चुअल में प्यार है या कुछ और. बिकॉज व्हेन यू आर हंग्री यू विल टेक एनीथिंग दैट कम्स योर वे. So it's a story of a woman who is seeking love, finding love, and she's so blinded by the need of love that she just finds peace even when somebody is, you know, mad about it. Like, it's not even love, but she takes it as is. Interesting. Okay. And Manish, agar aap apni story ke bare mein batana chahe. Mostly, Mari Oh Baby, jo story hai, jisme main Arman ka character kar raha hu, ye ek aisa character hai jisne sach bol diya. Basically, uske saath yehi tha ki chal kar sakta tha, wo chahta to chupa sakta tha. नहीं बताता शायद, लेकिन उसको ये था कि यार प्यार करते हो आप, उससे कुछ छुपाओ मत. तो उसने उसको सच बता दिया और उसकी लाइफ एल लग गए, एल लग गए, लाइक सीरियसली उसके एल लग गए. एंड आफ्टर दैट सामने वाली जो द कैरेक्टर अर्चना इज प्लेइंग, अर्चना एंड सॉरी या, तो फिर उसके भी कुछ छल सामने आते हैं एंड इट्स ऑल लाइक कि नहीं बताना चाहिए था, इट्स लाइक अ मिस्टेक. फील लाइक कि सच बोलना भी एक मिस्टेक है. All right, that's interesting.